हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का मैटर इन अवर सराउंडिंग। क्या बोलना चाहते हो मोटूलाल, बोल दो फटाफट। अरे वाह भैया, हम तो क्लास नाइन्थ के अंदर आ गए। आखिर भैया ये मैटर होता क्या है, चैप्टर पढ़ाने से पहले ये तो बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है मोटूलाल तुमने। मैटर, आखिर मैटर क्या चीज होती है? हर एक चीज जो हमारे आस पास प्रेजेंट है, दैट इज अ मैटर। जैसे कि क्या, एयर। एयर भी एक मैटर है, वाटर भी मैटर है, स्टोन भी मैटर है, सैंड भी मैटर है, क्लाउड भी मैटर है, पेंसिल भी, बुक भी, हर एक चीज मैटर है। तो आखिर ये मैटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास है, मतलब कि कुछ वेट है, उसे हम लोग मैटर बोलते हैं और उसे हम लोग मैटर के अंदर कंसीडर करते हैं। अब ये जो मैटर है, मैटर किस चीज का बना होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। देखो, जैसे एक हमने ये बॉक्स लिया है, समझ लीजिए दिस इज मैटर, और इस मैटर को अगर हम देखें तो ये छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स की मदद से बना हुआ होता है। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर के? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। आप देख रहे हो इन सब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम, और ये जो पार्टिकल्स है ये हमेशा मूव कर रहे होते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, तभी तो देखो ये सब लोग एक साथ हैं। मान लो अट्रैक्ट ना करें ये एक दूसरे को तो ये अलग अलग हो जाएंगे, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद क्या चीज है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मैटर। लव, हैप्पीनेस, एयर, सैंडविच, थॉट्स, जूस, इरेजर, इनमें से क्या क्या चीजें मैटर नहीं है, आपको फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है अपना आंसर। भैया मुझे ये तो समझ में आ गया कि मैटर पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं, लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस होता है, आखिरकार ये कैसे पता चले? बिल्कुल सही सवाल करा तुमने कि आखिरकार पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता भी है या नहीं होता। इसको हम लोग एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। हम लोग वाटर को ले सकते हैं। अब जो वाटर है इट ऑक्यूपाई स्पेस, तो सिंपल सी बात है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसका कुछ मास है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ मैटर। अब जो पार्टिकल्स होंगे वाटर के, उसके बीच में स्पेस होगा, तो अगर हम लोग सॉल्ट को ऐड करें वाटर के अंदर और फिर इस सॉल्ट को मिक्स कर दें, घोल दें, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स थे, किसके पार्टिकल्स थे? वाटर के पार्टिकल्स थे, इनके बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स भी आ गए हैं। ऑरेंज कलर से मैंने डिनोट करा है सॉल्ट के पार्टिकल्स को। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। लेकिन हम इन पार्टिकल्स को क्या अपनी आंखों से देख सकते हैं? नहीं, इनको देखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यहां पर देखिए अलग अलग हमारे क्या हैं, मैटर्स हैं। किसके? सबसे पहले आप देखिए सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। इनके पार्टिकल्स देखिए, सबसे पहले सॉलिड के देखिए। सॉलिड के जो ज़्यादातर पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि जगह बहुत कम है, है ही नहीं जगह एक तरीके से। लिक्विड के पार्टिकल्स भी बहुत कम मूव कर रहे हैं, लेकिन गैस के पार्टिकल्स देखो कितनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन ऑल द टाइम, hence they possess kinetic energy। ये लोग possess करते हैं किस चीज़ को? kinetic energy। kinetic energy का सिंपल मतलब ये होता है energy due to motion, जो energy motion की वजह से पैदा होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं kinetic energy। तो ये लोग possess करते हैं kinetic energy को, ये हमेशा move करते रहते हैं, चलते रहते हैं। अब देखो diffusion एक process है जिसके अंदर हम लोग mix करते हैं दो चीज़ों को। जैसे अभी हमने ऊपर ये जो process करा था ना, we have mixed water with salt, इसको ही हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। देखो डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि ये रेड रेड कलर की चीज़ को आप समझ लो सॉल्ट। जैसे ही मैंने सॉल्ट को ऐड करा वाटर में, ये यहाँ पर चले गया सॉल्ट, फिर मैंने इसे घोल दिया, मिक्स कर दिया, तो प्रॉपरली जो पार्टिकल्स थे वाटर के भी, उनके अंदर सॉल्ट क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया और अच्छे से मिक्स हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं डिफ्यूजन। अच्छा, अगर डिफ्यूजन को मुझे फास्ट करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? हीटिंग यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सबसे पहले देख लेते हैं एक बार कि आखिर सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैसे अरेंज है, पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं, लिक्विड के अंदर कैसे अरेंज है और गैस के अंदर कैसे अरेंज है। देखो सॉलिड को अगर आप देखोगे
तो ये जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत क्लोज चिपके चिपके हैं। लिक्विड की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा खुले खुले हैं। गैसेस में तो पूरा ही खुल्लम खुल्ला मामला चल रहा है, देखो बिल्कुल भी इनके बीच में क्या है अट्रैक्शन इतने अच्छे से नहीं है, स्पेस ज़्यादा नहीं है। तो बात कर लेते हैं एक बार इनके बारे में, सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बारे में। अगर सॉलिड्स की मैं बात करूँ तो सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड्स की इनडेफिनेट शेप। मतलब जैसे कि आपने एक बॉटल में डाल दिया तो उसकी शेप ले लेगा हमारा लिक्विड वाटर, अगर हमने उसी वाटर को ग्लास के अंदर डाल दिया तो वो ग्लास की शेप ले लेगा। अच्छा ग्लास से इसे मैं कप में डाल दूंगा तो वो कप की शेप ले लेगा, तो लिक्विड्स की इनडेफिनेट शेप है। गैस की तो कोई शेप है ही नहीं, तो दैट इज ऑल्सो इनडेफिनेट शेप। अच्छा सॉलिड्स की एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, जैसे कि 1 kg आइस, तो 1 kg आइस के अंदर कितनी आएगी, 1 kg बर्फ। अच्छा लिक्विड्स की भी एक डेफिनेट शेप होती है, आपने सुना होगा कि 1 liter कोल्ड ड्रिंक, तो 1 liter कोल्ड ड्रिंक मतलब कि डेफिनेट वॉल्यूम है लिक्विड्स की। लेकिन गैस की इनडेफिनेट वॉल्यूम होती है, हम कभी गैस को तोल नहीं पाते। ऐसे तो नहीं बोलते हम लोग कि 1 kg ऑक्सीजन, 2 kg ऑक्सीजन, ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट है सॉलिड्स के अंदर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में। सर कैसे, ये देखो जो ये पार्टिकल्स हैं ये सबसे ज़्यादा एक दूसरे से चुपके चुपके हुए हैं, बहुत ज़्यादा इनके बीच में दोस्ती है, तो इसे हम लोग बोल देंगे दे हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड्स के अंदर क्या होती है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कंपेयर टू सॉलिड्स, और गैसेस के अंदर तो नेग्लिजेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बिल्कुल भी ये एक दूसरे को लाइक नहीं करते गैसेस के पार्टिकल, अलग अलग घूमते रहते हैं एक दूसरे से। तो आई होप अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सॉलिड्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम, लिक्विड्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मोर देन सॉलिड्स, गैसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। तो मिनिमम किसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड्स के अंदर। मतलब देखो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या था, अभी हमने ऊपर देखा था काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो यहाँ पर जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं देख सकते हो ये बेचारे मूव ही नहीं कर पा रहे, इसी वजह से हमने बोल दिया है कि इनके पास तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, मिनिमम है। अगर हम लोग बात करें लिक्विड्स की तो लिक्विड्स के पास सॉलिड से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, और गैसेस के पास तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। देख रहे हो कितना ज़्यादा ये लोग घूम रहे हैं जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के, ये देखो कितना ज़्यादा ये लोग घूम रहे हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट भी। पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, रैदर दे वाइब्रेट ओनली एट फिक्स्ड पोजिशन। यहाँ पर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं जनरली एक ही फिक्स्ड पोजिशन पर वाइब्रेट करते हैं, हिलते रहते हैं। ये देखो यहाँ पर तो स्पेस ही नहीं है इनके पास बेचारों के पास मूव करने का, तो एक ही जगह पर मूव करते रहते हैं, ऐसे हिलते रहते हैं। लिक्विड्स की बात करें तो ये प्रॉपरली मूव कर पाते हैं, गैसेस में तो बहुत ही फ्रीली मूव कर पाते हैं। तो यही चीज़ लिखी है, पार्टिकल्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली इन गैसेस। फिर है सॉलिड्स की हाई डेंसिटी होती है, लिक्विड्स की डेंसिटी लोअर देन सॉलिड्स होती है, और गैसेस की लोएस्ट डेंसिटी होती है। सॉलिड कैन नॉट फ्लो, क्या सॉलिड कभी फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता। लिक्विड हाँ, पानी को अगर आप डालोगे मान लो ऊपर से नीचे तो वो फ्लो करेगा फ्रॉम अपसाइड टू डाउनसाइड डायरेक्शन, या फिर आपने कहीं भी ऊंची जगह से नीचे जगह पानी को बहाया तो वो बहेगा। गैसेस कैन ऑल्सो फ्लो, कैसे फ्लो करती है, एयर इज फ्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन, तो हम बोलते हैं ना एयर फ्लो कर रही है सीधी डायरेक्शन के अंदर, दैट मीन्स गैसेस कैन ऑल्सो फ्लो। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। लेकिन सर इसमें से याद क्या करना है हमें, डेंसिटी का मतलब क्या, डेंसिटी का मतलब आगे वाले चैप्टर्स में सीखोगे आप, इसमें से आपको कोई भी 5 points याद करके जाने हैं और आपको एग्जाम में इन्हीं 5 points से अपना आंसर बनाकर लिखना है। अरे अरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तो तुम करना ही भूल गए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो। अब मेंबर बनने के क्या बेनिफिट हैं और मेंबरशिप क्या चीज़ है, मेंबरशिप पेड है और मेंबर बनने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे। एक तो आपके डाउट्स फटाफट क्लियर कर दिए जाएंगे अगर आप मेंबर बनते हो। एक्सक्लूसिव लिंक मिलने वाला है आपको नोट्स का, जिन नोट्स से हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियोस के अंदर वो आपको मिलने वाले हैं। सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं, अब ये जो सैम्पल पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लिया, और इन सैम्पल पेपर्स की हेल्प से ही आप 95+ स्कोर कर सकते हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अब हम आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
गैसेस के पास एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेशन। अब ये जो टर्म है कंप्रेशन, इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी गैस थी, हमने इसे एक चेंबर में कलेक्ट करा। अब यहाँ पर हमने इसे प्रेशराइज करा, देखो ऊपर से प्रेशराइज करा। अब पार्टिकल्स के बीच में इतना ज़्यादा स्पेस था, तो ये जो पार्टिकल्स थे ये एक दूसरे के क्लोज आने लगे। इसी प्रोसेस को हमने कंप्रेशन बोल दिया। कंप्रेशन के अंदर क्या होता है कि हमारी गैस लिक्विफाइड हो जाती है। आपने देखा होगा कि आपके घर पर कुछ इस तरीके का ये वाला गैस का सिलेंडर भी आता होगा। सो दिस इज नथिंग बट गैस को किस फॉर्म के अंदर कर दिया है, कंप्रेस्ड फॉर्म के अंदर भर दिया है इन सिलेंडर्स के अंदर, जिससे कि हम लोग इन गैसेस को यूज कर सकें। अब क्या होता है, कंप्रेशन के अंदर भी क्या हो जाता है कि जो हमारी गैस है वो लिक्विफाइड हो जाती है। कैसे लिक्विफाइड हो जाती है? देखो, जब ये पार्टिकल्स हैं, इन सबको हमने एक साथ लाए जब हम, तो देखो किस चीज़ के अंदर ये चेंज होंगे? ऑब्वियस सी बात है सर, लिक्विड के अंदर चेंज होंगे। कंप्लीटली लिक्विड के अंदर चेंज नहीं होते, लेकिन थोड़े थोड़े ये क्या हो जाते हैं, लिक्विफाइड हो जाते हैं, लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं। कंप्रेशन कैसे होता है? बहुत बड़े से चेंबर में गैस को कलेक्ट कर लिया और ऊपर से प्रेशर डाल के इसको कंप्रेस कर दिया, एक साथ कर दिया। ऐसे सिलेंडर्स आपके घर पे जरूर आते होंगे, इनमें से कोई ना कोई एक, ज्यादातर इस टाइप का सिलेंडर आता होगा आपके घर पर। तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि कौन से टाइप का सिलेंडर आपके घर पर आता है। मेरे घर पे तो इस टाइप वाला आता है। नेक्स्ट है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपने स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, अगर हम लोग वाटर की ही बात करें तो वाटर 3 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। पहला कौन सी स्टेट है? दैट इज आइस, मतलब सॉलिड। नेक्स्ट कौन सी है? वाटर। वाटर क्या है? लिक्विड। थर्ड है वाटर वेपर। वेपर किस चीज के अंदर होते हैं? वाटर वेपर गैस के अंदर। तो यहां पर आपको दिखा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट के अंदर भी मैटर चेंज हो सकता है। लेकिन इस चीज के अंदर आप एक चीज का ध्यान दो कि किस चीज ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। अब आप बोलोगे सर ऐसे समझ में नहीं आया हमें, हमने बर्फ निकाली किससे? फ्रिज से। तो बर्फ क्या थी? आइस, दैट वॉज इन सॉलिड स्टेट। जब हमने उसे रूम के अंदर रखा थोड़ी देर के लिए, वो गर्म हुई, गर्म होके वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई? वाटर के अंदर। इसी वाटर को हमने हीट कर दिया तो उसकी क्या बन गई? भाप, वाटर वेपर्स। तो इन सारी चीज़ों के अंदर इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले करा? हीट ने, टेम्परेचर ने। तो टेम्परेचर की वजह से जो हमारे मैटर का स्टेट है, या तो वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, वो चेंज हो सकता है। सो स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज ड्यू टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन स्टेट ऑफ मैटर। अब एक मेल्टिंग पॉइंट होता है और एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, दो चीज़ें होती हैं बेटा। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? देखो, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड। देखो, जैसे यहाँ पर ये जो आइस थी, जिस टेम्परेचर पे ये जो आइस है ये वाटर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई, उसको बोल देते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। अब एक प्रॉपर एक सर्टेन टेम्परेचर होगा कि मतलब इतने पॉइंट पर क्या होगा कि तुरंत के तुरंत आइस वाटर के अंदर बदल जाएगी। तो आइस के लिए अगर हम लोग देखें, वाटर के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है? दैट इज 273 केल्विन प्रिसाइजली अगर हम देखें तो। नेक्स्ट है फिर बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है? हमने क्या करा, इसी वाटर को बॉयल करा। अब बॉयल करा तो हमने देखा कि गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कौन से टेम्परेचर पे एग्जैक्टली ये गैस के अंदर कन्वर्ट होता है? जिस टाइम पर ये गैस के अंदर कन्वर्ट होता है उस वाले टेम्परेचर को, एग्जैक्ट उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉयलिंग पॉइंट। जब किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? हमारा लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो बॉयलिंग पॉइंट वाटर का क्या है? दैट इज 373 केल्विन। 373 केल्विन जब वाटर का टेम्परेचर पहुंचता है, वैसे ही वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? गैस के अंदर। अभी के बेटा चार्ट है, ये आपको लर्न होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग सॉलिड से किसी भी चीज को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होते हुए देखते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्यूजन। क्या बोलते हैं? सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज कन्वर्ट हुई तो फ्यूजन। कोई चीज लिक्विड से, जैसे वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? गैस के अंदर, तो उसे हम लोग बोल देते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, अब कोई चीज गैस से अगर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो उसे सब्लिमेशन बोलते हैं, और कोई चीज सॉलिड से अगर गैस के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है अभी हम देखने वाले हैं। अच्छा, अब कोई चीज गैस है,
अब वो गैस किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। देखने भी वाले हैं आगे इस प्रोसेस को। अच्छा, कोई लिक्विड की चीज़ है जैसे कि क्या वाटर है, वाटर को आपने क्या करा फ्रिज के अंदर रख दिया बर्फ़ बनाने के लिए उसकी, तो उसे आप बोलोगे क्या कर दिया आपने, सॉलिडिफिकेशन वाला प्रोसेस कर दिया। अब सब्लिमेशन के अंदर क्या हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस के अंदर चेंज होती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं सब्लिमेटरी सॉलिड्स, या इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। देखो जनरली क्या होता है, जैसे हमने आइस ली थी सॉलिड स्टेट में थी, उसको गर्म करा तो वो लिक्विड में चेंज होगी, लिक्विड के बाद अगर उसे और गर्म करा तब जाके वो गैस में चेंज होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सीधे सॉलिड से गैस में और गैस से सॉलिड में। तो एग्जाम्पल के लिए देखो क्या है, एग्जाम्पल के लिए कैम्फर एंड ड्राई आइस। ड्राई आइस को देखोगे ना तो सीधे वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, सॉलिड से गैस में। कैम्फर ये आपने ज़रूर देखा होगा स्कूल की टॉयलेट्स के अंदर, या मम्मी कपड़ों के बीच में भी डाल देती हैं जिससे क्या हो हमारे जो कपड़े हैं वो ख़राब ना हो। इनको नैप्थलीन बॉल्स भी बोलते हैं हम लोग। तो ये जो नैप्थलीन बॉल्स है, नैप्थलीन बॉल्स का भी हम लोग यूजेज करते हैं। तो ये एक भी क्या है, दीज आर ऑल्सो सब्लिमेटरी सॉलिड, सीधे सॉलिड से गैस के अंदर चेंज होती हैं। अब हमारा टॉपिक आता है लेटेंट हीट का, वो टॉपिक जो बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है। क्या तुम्हें भी मुश्किल लगता है ये टॉपिक मोटूला? अरे हाँ भैया, सर ने क्लास के अंदर इसे पढ़ाया था, मेरे तो सर के ऊपर ही चले गया। ये लेटेंट हीट होती क्या चीज है? लेटेंट हीट, जिसे प्यार से हम लोग हिडन हीट भी बोलते हैं, इसको समझते हैं एक पूरे एक्सपेरिमेंट से। मैंने क्या करा, एक ग्लास लिया, उसके अंदर कुछ आइस क्यूब्स डाले, इस ग्लास को मैंने हीट करना शुरू करा। टाइम हो रहा था जब 3 बज रहे थे जब मैंने इसे हीट करा, टेम्परेचर था 273 केल्विन। अब मैंने एग्जैक्ट 3:01 पे देखा तो ये जो पूरी की पूरी आइस थी ये लिक्विड के अंदर बदल चुकी थी। अब टेम्परेचर हो गया था 273 केल्विन। है एक मिनट पहले भी इतना ही टेम्परेचर था और एक मिनट बाद भी इतना ही टेम्परेचर है, जबकि हीट तो ऑन थी। तो कहां पर गई मेरी हीट, मेरी गैस तो वेस्ट हो गई। अच्छा, कहीं ना कहीं तो ये हीट गई है, अभी हमें पता चलने वाला है। जब मैं इसी वाटर को थोड़ी देर तक और हीट करता हूं, 3:05 पे मैं देखता हूं तो टेम्परेचर इज 319 केल्विन, मतलब टेम्परेचर तो बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर क्यों नहीं बढ़ा था टेम्परेचर 3 बजे, और फिर जब 3:01 पे मैंने चेक करा तो टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज इस वजह से नहीं हुआ बिकॉज हीट जो थी वो यूज हो रही थी इन द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। सर फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आइस से वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर जब कोई चीज़ बदलती है सॉलिड से, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो पूरी हीट है ये वहीं पर यूज हो गई थी, तभी हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट को हिडन हीट, छुपी हुई हीट, हमें पता ही नहीं चलता इसके बारे में। द हीट एनर्जी विच इज यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज लेटेंट हीट। सिंस द हीट इज हिडन देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट के अंदर भी हमें देखने को मिलता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो फ्यूजन वाले प्रोसेस के अंदर क्या होता है, काफी सिंपल सा है फ्यूजन का प्रोसेस, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्यूजन वाले प्रोसेस की जो डेफिनेशन है वो ये है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg of solid into liquid। देखो 1 kg मान लो यहाँ पर हमारे पास आइस थी, उसको किसके अंदर चेंज करना था, लिक्विड के अंदर चेंज करना था हमें, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसे ही हम लोग बोल देते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पर क्या हुआ था, देखो सिंपल दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या पढ़ा था अभी हमने। यहाँ पर मैंने आइस ली थी एक ग्लास के अंदर, उन आइस को मैंने हीट करा, हीट करा तो 3 बजे उसका टेम्परेचर था 273 केल्विन। थोड़ी देर में मैं देखता हूँ कि उस आइस का जो टेम्परेचर था दैट इज 273 केल्विन। अब यहाँ पर भी 273 केल्विन, 3 बजे भी 273 केल्विन, एक मिनट के अंदर कुछ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जो आइस थी उसको वाटर के अंदर कन्वर्ट होने के लिए उस हीट एनर्जी को यूज कर लिया इसने। ठीक है, सिंपल सी बात यह है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यूज हो गया। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल है, अब मैं यहीं पर नहीं रुकता हूं, मैं इस वाटर को हीट करता रहता हूं बेटा। 4 बज गए हैं, वाटर का टेम्परेचर है 373 केल्विन। अब ये वाटर हीट होके किस स्टेट के अंदर चेंज होने वाला है, थोड़ी ही देर के अंदर ये किसके अंदर चेंज होगा, गैस के अंदर चेंज होगा।
क्योंकि वाटर का, देखो यहां पर मैंने आपको ऊपर बताया था, मेल्टिंग पॉइंट इज 273 केल्विन, मतलब सॉलिड से वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कब होगा, जब 273 केल्विन की हीट होगी। अगर 373 केल्विन की हीट होगी तो वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, लिक्विड टू गैस। तो यहां पर अब वाटर किसके अंदर चेंज होने वाला था, लिक्विड से गैस के अंदर। अच्छा, अभी फिर दोबारा मैंने टेम्परेचर देखा तो अभी भी एक मिनट बाद भी 373 केल्विन ही टेम्परेचर आ रहा था। अब ऐसा क्यों हुआ, मेरी तो गैस वेस्ट हो गई दोबारा से? नहीं, जो मेरी गैस थी उसका यूजेज हुआ है इन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उसका यूज हुआ है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि ये जो पूरा लिक्विड था इसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए पूरी की पूरी हीट का यूजेज हो गया। अच्छा, थोड़ी ही देर बाद मैं देखता हूँ तो ये टेम्परेचर राइज हो गया था 399 केल्विन तक। तो मतलब टेम्परेचर तो बढ़ रहा था, लेकिन अभी जो यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा था उसका रीज़न यही है कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पूरी की पूरी हीट यूज हो रही थी। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इंटू अ गैस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए और याद होनी चाहिए, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अच्छा, वॉट हैपन्स वेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर। अभी हमने क्या करा था, टेम्परेचर चीज़ों का इंक्रीज करा था। क्या करा था हमने, आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करा, वो लिक्विड के अंदर बदल गई। हमने क्या करा, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करा, वो गैस के अंदर बदल गई। क्या हो अगर हम इनका टेम्परेचर डिक्रीज कर दें? बहुत ही सिंपल है, आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, फ्रिज से बॉटल को बाहर निकाल लेना। हाँ भैया, ये तो बड़ा ही अजीब एक्सपेरिमेंट बता रहे हो आप। फ्रिज से बॉटल को बाहर निकाल कर हमें कैसे पता चलने वाला है कि टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या फर्क पड़ेगा? इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। जो आसपास हमारे एनवायरमेंट में एयर है उसके अंदर वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है। अब वाटर वेपर्स कैसे बनते हैं, आपको पता है कि जब हम लोग किसी भी लिक्विड को बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं तो वो किसके अंदर बन जाए, वेपर्स के अंदर बन जाए, एयर की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो वाटर वेपर्स हैं आसपास एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। जब हम फ्रिज से ठंडे पानी की बॉटल निकालते हैं तो ये वाटर वेपर्स जैसे ही उस ठंडे पानी की बॉटल के कॉन्टैक्ट में आते हैं ये भी ठंडे हो जाते हैं। और फ्रिज के बाहर जो हमारी वाटर बॉटल होती है या जो हमारा ग्लास होता है जिसके अंदर ठंडा पानी होता है, उसके बाहर ऐसे कुछ हमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा व्हाई वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द सराउंडिंग ऑफ अ ग्लास विद आइस कोल्ड वाटर, देयर आर वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। जैसा मैंने आपको बताया, जैसे ही वो कॉन्टैक्ट में आते हैं विद द ग्लास और विद द बॉटल, तो आइस कोल्ड वाटर जो था, बहुत ठंडा पानी था, उसकी वजह से जितने भी आसपास के वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस, देखो कंडेंसेशन अभी प्रोसेस देखा था ना, गैस जब लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होती है तो उसी प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कंडेंस हो जाते हैं, किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, वाटर के अंदर। सिंपल है बहुत ये प्रोसेस, आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि जब भी हम लोग फ्रिज से बॉटल को निकालते हैं या हम लोग किसी ग्लास के अंदर ठंडा ठंडा आइसी कूल वाटर डालते हैं तो उसके बाहर ये छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स कैसे आ जाते हैं। अब दो चीज़ें और हैं, इवेपोरेशन और बॉइलिंग। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग? बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमेना। और यहाँ पर क्या होता है, जनरली जो पार्टिकल्स हैं वो बल्क के अंदर एनर्जी को गेन करते हैं और गैस के अंदर चेंज होते हैं। सिंपल भाषा में समझते हैं, मैंने पानी को गर्म करा गैस पर रखकर, तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स होंगे वाटर के वो क्या हो जाएंगे, इनमें से नीचे वाला पार्टिकल भी गैस के अंदर चेंज हो सकता है, ये वाला जो पार्टिकल है ऊपर वाला ये भी गैस के अंदर चेंज हो सकता है, ये साइड वाला पार्टिकल भी किसके अंदर चेंज हो सकता है, गैस के अंदर हो सकता है चेंज। लेकिन इवेपोरेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू गैशियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन ऑफ वेपराइजेशन। अब इवेपोरेशन देखो क्या है, क्या डिफरेंस है इवेपोरेशन और बॉइलिंग? देखो बॉइलिंग के अंदर पूरा का पूरा पानी ऊपर से लेके नीचे तक हीट हो रहा है, इवेपोरेशन में जो ऊपर ऊपर वाली जगह है वो हीट होती है। जैसे इवेपोरेशन के लिए हम ले सकते हैं किसी रिवर को या फिर हम ले सकते हैं सी को। सी के अंदर क्या होता है, अगर आप ऊपर ऊपर देखोगे तो वाटर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म। जैसे ही आप सी के अंदर नीचे जाते जाओगे वैसे ही पानी कैसा होता जाएगा, ठंडा।
तो why is that? Because evaporation से ऊपर ऊपर का ही पोर्शन वाटर का हीट होता है और ऊपर के ही जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, गैस के अंदर, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। लेकिन बॉइलिंग के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक ईच एंड एवरीथिंग गेट्स हीट अप और कोई भी पार्टिकल गैस के अंदर चेंज हो सकता है। अच्छा, why people wear cotton clothes इन समर? लोग कॉटन के क्लोथ समर के अंदर क्यों पहनते हैं? देखो, समर के अंदर हम लोग जनरली स्वेट ज़्यादा करते हैं। अब ये जो स्वेट है, अगर ये स्वेट हमारी बॉडी के अंदर ही कलेक्टेड रहेगा तो हमें और ज़्यादा इरिटेशन और गर्मी लगेगी। अगर ये स्वेट इवेपोरेट होता रहेगा तो इसकी वजह से हमें कैसा लगेगा? कूलिंग इफेक्ट हमारी बॉडी को फील होगा। सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था? जो गर्म पानी था, जब ये जा रहा था, जब ये इवेपोरेट हो गया, यहाँ से उड़ गया, तो नीचे क्या बचेगा? ठंडा पानी। तो ऐसे ही जब हमारी बॉडी से जो पूरा स्वेट है वो इवेपोरेट हो जाता है तो उसी के बाद हमें कैसी फीलिंग आती है? कि हमें थोड़ी गर्मी कम लग रही है, हमारी बॉडी थोड़ी ठंडी हो जाती है। इसी वजह से जो क्लोथ स्वेट को एब्जॉर्ब कर पाएँ उन्हें हमें समर में पहनना चाहिए। कॉटन ही नहीं, कोई भी क्लोथ जो स्वेट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, बट इस चीज़ में कॉटन काफ़ी अच्छा होता है, इसी वजह से हम कॉटन के क्लोथ्स गर्मियों में पहनते हैं। अब देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल वाला पार्ट। न्यूमेरिकल वाले पार्ट के लिए कौन कौन बच्चा एक्साइटेड है ज़रा बताओ तो सही। अरे भैया, किस चीज़ की एक्साइटमेंट, इन लोगों ने साइंस के अंदर भी अब मैथ्स घुसा दी। अरे भगवान, मैथ्स से तो मुझे वैसे ही डर लगता था। चलो कोई बात नहीं भैया, आप पढ़ाओगे तो समझ में आ ही जाएगा। डोंट वरी यार, बहुत ही सिंपल है, इजी तरीके से हम समझते हैं। देखो, अगर हमें कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ता है? जैसे एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 0 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, तो हमें क्या करना है? 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 को ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? 273 केल्विन के अंदर हमारे 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली आपको किसी भी चीज़ को अगर सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू यूज़ और यू हैव टू ऐड 273। अच्छा, अगर हमें कन्वर्ट करना है किसी भी चीज़ को सेल्सियस के अंदर फ्रॉम केल्विन, जैसे 300 केल्विन को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन सेल्सियस। ये आपके पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन दिया हुआ है बुक के अंदर। तो हम लोग 300 केल्विन को माइनस कर देंगे विद 273, तो 27 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द राइट आंसर। 573 केल्विन को किसके अंदर कन्वर्ट करना है? सेल्सियस के अंदर। क्या करेंगे हम? सिंपली 273 को माइनस कर देंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 माइनस करना है। किसी भी चीज़ को अगर सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस कर देना है। बहुत ही सिंपल है। बस याद रखना कि जिसके पीछे के लिखा है वहाँ पर क्या करना है हमें? माइनस। और जिसके पीछे ऐसे डिग्री बनी हुई है वहाँ पर क्या करना है हमें? प्लस कर देना है। सिंपल सी चीज़ है। तो केल्विन और सेल्सियस वाला भी हमारा टॉपिक क्लियर होता है। अच्छा, एक ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है कि 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी, मतलब वाटर देखने में कैसा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो तो गैस के अंदर होगा, गैस की फॉर्म में होगा, क्योंकि वाटर का जो अगर हम लोग देखें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का? बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। तो अभी तक तो वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया होगा? वाटर मस्ट हैव गॉटन कन्वर्टेड इनटू गैस। 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किसके अंदर होगा? लिक्विड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट विल बी चेंजिंग इटसेल्फ इन गैस, तो वेपर भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा ये थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो होमवर्क है आपका, आपको इसे सेंड करना है इसका आंसर मुझे इंस्टाग्राम पे। मैं सब बच्चों के आंसर्स चेक करने वाला हूँ। व्हाई इज अर्थन पॉट वाटर कूल? हम लोग जो मिट्टी के घड़े देखते हैं ना, मिट्टी के घड़े के अंदर पानी ठंडा क्यों रहता है, आपको ये बताना है। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको सैम्पल पेपर्स चाहिए और इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप सिंपली हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हो। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं मेंबर बनने के, तो ज़रूर से मेंबर बने, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो। See you in the next video। मनु से ज्ञान लेते रहो।